गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिस वे अभिक्रिया जिनका वेग एक अभिकारक के साधारण पर निर्भर करता है, अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम व्यंजक के बारे में बात करें। माना कि ए से कोई उत्पाद बन रहा है, ठीक है, ए कोई आपका अभिकारक है, ठीक है, और यह उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए प्रारंभ में इसका जो साधारण है ए मोल प्रति लीटर इसका साधारण यूज हो रहा है और यह उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, माना तो इसकी जो ए की प्रारंभिक सांद्रता आपकी क्या हो जाएगी, ए मोल प्रति लीटर हो जाएगी। और मान लीजिए समय टी बराबर पर इसकी जो है एक्स मोल प्रति लीटर क्या है, इसके मोलों की संख्या यूज हो जाती है। ठीक है, तो टी बराबर टी समय पर हम मानते हैं कि इसके जो मोलों की संख्या है ए माइनस एक्स हो जाती है। तो यहाँ हम देखें कि टी बराबर जीरो पर देखें तो इसके जो मोलों की संख्या है वो क्या है, ए है, और उत्पाद में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है ना। परंतु जैसे टी बराबर टी पर जब हम देखते हैं यानी कुछ समय हो जाता है t बराबर t पर, तो ये जो है इसके x मोलों का यूज हो जाता है, यानी x मोल इसके उत्पादित हो जाते हैं। तो जो x मोल उत्पादित होंगे वो किसमें से होंगे, a में से होंगे, तो a माइनस x हो जाएगा। ठीक है, यानी t बराबर t समय पर आपके जो है a के मोलों की संख्या जितनी यूज हो गई है a माइनस x यूज हो गई। तब हम देखते हैं कि अभिक्रिया की जो इसकी दर बनेगी, ठीक है, अभिक्रिया की जो दर होगी, अभिक्रिया की जो दर होगी वो क्या होगी, इसके सक्रिय द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी। यानी अभिक्रिया की जो दर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स। ठीक है, और इसकी घात हम कितनी लगाएंगे, एक लगाएंगे, क्योंकि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अभिक्रिया की दर के लिए हम क्या यूज करते हैं, dx अपॉन dt, है ना, क्योंकि x मोल है तो इसका x मोल इसको लिया है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होंगे। ठीक है, a माइनस x है ना, घात एक है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे हम यहाँ पर तो x अपॉन dt होगा बराबर कोई डी एक्स k लगा देते हैं, है ना, तो ये आपका क्या होगा, a माइनस x होगा। ठीक है, जहां k एक समानुपातिक नियतांक है, जहां k बराबर समानुपातिक ठीक नियतांक होता है। ठीक है, अब हम क्या करें, ठीक है, ये समीकरण को हम थोड़ा सा सेट करते हैं। अब तो यह x बराबर आपका क्या हो जाएगा, मतलब कि टर्म टी वाली टर्म को एक तरफ और मोल वाली टर्म को एक तरफ ले आते हैं, तो dx अपन क्या हो जाएगा आपका, a माइनस x। ठीक है, और यहां पर आपका हो जाएगा k dt, है ना, इसको समीकरण नंबर एक दे देंगे। ठीक है, समीकरण नंबर एक दिया इसको, अब समीकरण का हम क्या करें, समाकलन करें। ठीक है, तो समाकलन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, समाकलन a माइनस एक्स बराबर, चूंकि k नियतांक है इसका समाकलन नहीं होगा, तो ये आपका इस प्रकार समाकलन होगा। तो जब समाकलन करेंगे इसका जो समाकलन होता है वो क्या होगा, माइनस l a a माइनस एक्स होगा। ठीक है, गणित के सूत्र से। ठीक है, और k और dt का जब समाकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, t प्राप्त होगा। ये a किस प्रकार आता है, चूंकि समाकलन 1 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस ln x होगा। ठीक है, ये फार्मूला है आपका गणित का, इस वजह से ये ऐसा होगा। ये आपका क्या हो गया, समीकरण नंबर एक है, चूंकि आपने समाकलन किया है तो एक कांस्टेंट c भी देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके समीकरण नंबर दो है ना। अब चूंकि इसमें समाकलन c आया है, तो समाकलन c का आपको मान निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम मानते हैं कि आपकी अभिक्रिया हुई नहीं है, है ना, आपकी अभिक्रिया नहीं हुई है, यानी कि t बराबर 0 की बात करें तो कोई अभिक्रिया हुई नहीं। तो जब अभिक्रिया होगी नहीं तो इसके मोलों का भी यूज नहीं होगा, तो x
वैल्यू यहां पे रखी जाती है तो हम देखते हैं कि ln a माइनस x अब आपका क्या हो गया 0 हो गया और k t बराबर में क्या हो गया आपका 0 और c ठीक है। तो इस कंडीशन में हम देखें तो माइनस ln a आएगा और k यहां पर 0 हो जाएगा तो c यानी कि जो c की वैल्यू आपकी क्या आई माइनस ln a ये आपकी समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। अब इस समीकरण नंबर 3 की जो वैल्यू है समीकरण नंबर 3 की जो वैल्यू है हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं यहां पर रखेंगे इसकी वैल्यू तो जब यहां पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ln a - x बराबर kt है ना और ये c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास माइनस ln a आ जाएगी है ना। अब इस ln a को बराबर के उधर ले जाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा ln a और ये माइनस का क्या आ जाएगा a माइनस x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास kt ठीक है। क्योंकि एक फार्मूला है भाग का सूत्र होता है तो ये भाग का सूत्र होता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है ln a अपॉन a माइनस x में कन्वर्ट हो जाता है बराबर आपका क्या हो जाता है kt। अब t को बराबर के उधर पहुंचाएंगे हम तो k बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन t ln a a माइनस x हो जाएगा ठीक है। और जब log को हम चेंज करते हैं है ना जब हम log को चेंज करते हैं तो log को जब चेंज करेंगे हम तो ये log की वैल्यू क्या आ जाएगी k बराबर 1 अपॉन t और ये आ जाएगा आपका 2.303 है ना और ये आपका log में कन्वर्ट हो जाएगा a अपॉन a माइनस x ठीक है। यही आपका क्या है उत्तर कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक होता है ठीक है। k बराबर 1 अपॉन t 2.303 log e a अपॉन a माइनस x।